हे hey, हाय आज हम लोग आए हुए हैं रंजीत को देखने के लिए। एक्चुअली सम डेज पहले क्या हुआ कि ये भाई साहब अपनी स्कूटी लेके जा रहे थे और इनका एक्सीडेंट हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी। तो फिलहाल अभी हम लोग आए हैं इनको देखने के लिए। तो जो आपको अभी दिख रहे होंगे पीठ के बल बैठे हुए हैं, असल में वो मुझसे गुस्सा नहीं है, वो मुझसे रुसवा है। रुसवा रंजीत, आर यू रुसवा विथ मी? नो, वो एक्चुअली खाना वाना खा रहा है। तो फिलहाल ये ब्लॉग जो है ये हम बना रहे हैं, जो शुभम है वो कुछ आज बना रहे हैं हम लोग के लिए खाने के लिए। तो फिलहाल ये ब्लॉग उसके लिए है, सुबह से ही बना, सुबह से ही एक्चुअली बना रहा है। तो फिलहाल अभी इसने सुबह हम लोग के लिए बोला था इसने मुझसे कि मैं आपको पनीर की सब्जी खिलाऊंगा, और जो ऑलमोस्ट सब्जी बनी नहीं थी, मुझे कितना मेहनत करना पड़ा, नमक डालना पड़ा, प्याज काटना पड़ा, टमाटर काटना पड़ा, मतलब सारे सामान मुझे करने पड़े। और भरत भाई साहब का कैरेक्टर ये था कि इन्होंने बनाया है। तो अभी फिलहाल ये बना रहे हैं, क्या है ये सूपी नूडल, सूपी नूडल बोले तो इप्पी सूपी नूडल, इप्पी सूपी नूडल। तो इसमें क्या ऐसी खास बात है जो हम लोग को अच्छी लगेगी? सूप के साथ साथ आप नूडल भी खा सकते हैं। ओहो, इन्होंने तो ऐसे बताया जिससे आज तक मैंने कभी नूडल ट्राई नहीं किया। तो अभी स्टिल हो रहे हैं 9:12, तो देखते हैं कि आज मेरे ऑफिस पहुंचने तक ये भाई साहब बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। ओनली 10 मिनट पर कुछ भी कह लो, लड़का इतना टैलेंटेड है कि लड़की उसको कैसे भी मिल जाए, लड़का खुद खाना बना के खिला सकता है। एंड हैप्पी विथ हर, आई मीन तो आपने क्या क्या इंग्रेडिएंट डाल दिया है अपने खाने में? जो डालना चाहिए मैं सबको नहीं बताऊंगा रेसिपी। सिंपल सा है, मैगी लो, पानी लो, उसमें मिलाओ, नमक मिलाओ, तैयार। ओह माय गॉड, है ना? इतना सिंपल को बना के एक बार खिला दो तो आप मैं जान जाऊं। एक प्याज काटने के लिए बोला था मैंने आपसे। जहाँ पे मैं मैगी बनाने लगता हूँ ना, कोसों दूर तक लाइन लगती है प्लेट ले लेके लोगों को खाने के लिए। कितना पीस है? 6 पीस। हाँ, तो फिलहाल जैसे ही इनका बन जाता है नूडल, वैसे ही हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए इनको इनके हाल पे छोड़ देते हैं।